नमस्कार, मैं अदिति आपका हुजूर्स किचन में स्वागत करती हूँ। आज हम जो रेसिपी बनाएंगे वो है मसाला पोहा। तो चलिए देखते हैं मसाला पोहा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसके लिए हम लेंगे 2 कप पोहा। पोहा को हम 4 से 5 बार अच्छे से पानी में धो के छन्नी में डाल देंगे पानी झड़ने के लिए पूरा। 2 मीडियम साइज़ प्याज के, 1 बड़ा आलू, 1/2 कप फ्रेंच बीन्स, 2 टेबल स्पून तेल, 4 टेबल स्पून धनिया के पत्ते, 1/4 कप मूंगफली, 1 चम्मच राई या मस्टर्ड सीड्स, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच चीनी, 1 नींबू का रस, 1 हरी मिर्ची, 7 से 8 करी लीव्स, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। तो चलिए आज हम अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। पोहा बनाने के लिए हम सबसे पहले कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। जब हमारा तेल अच्छा गर्म हो जाए तो हम उसमें मूंगफली के दाने डाल देंगे। हम मूंगफली के दानों को 3 से 4 मिनट अच्छे से भूनेंगे या जब तक वो पूरे पक नहीं जाए, फिर उसको हम अलग से निकाल लेंगे सारे दानों को। दानों को जलाना नहीं है, खाली हल्का सा सेकना है। फिर उसके बाद उसी तेल में हम राई के दाने डालेंगे। जब राई अच्छी फूट जाए तब हम उसमें अपने बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे। प्याज को हमें अच्छे से भूनना है, लगभग 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। खाली ट्रांसलूसेंट करना है हमें प्याज को, हमें प्याज को एकदम ब्राउन नहीं करना है। जब हल्के हो जाए उसके बाद उसमें हम हरी मिर्ची और करी पत्ता डाल देंगे। करी पत्ता और हरी मिर्च डाल के अच्छे से मिला लीजिए। करी पत्ता अभी डालेंगे तो करी पत्ता अच्छा फ्लेवर देगी पूरे में। उसके बाद हम इसमें आलू डाल देंगे। आलू के साथ हम इसमें अपने जो बारीक कटे हुए फ्रेंच बीन्स है वो भी डाल देंगे। ये डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। उसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे। नमक हम इसमें खाली सब्जियों के हिसाब से डालेंगे अभी। उसके बाद हल्दी डालेंगे। ये सब डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्दी अब पहले डाल देते हैं तो उसका कलर अच्छा आ जाता है इसलिए, और वो थोड़ी अच्छी पक भी जाती है। जब ये आपका मसाला अच्छा हो जाए तब उसके बाद इसको ढक के पकाएंगे 5 से 6 मिनट या जब तक हमारी सब्जियां नहीं पक जाती। आप देखिए हमारी सब्जियां पक चुकी है, आलू भी पक गए हैं, बीन्स भी पक गए हैं। इसमें अब हम अपना पोहा डालेंगे जो हमने भिगा के रखा था। अच्छे से पोहा डाल के इसको अच्छे से मिला लीजिए। अब देखिए पोहा पूरा मिल गया है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे, हम इसमें नींबू डालेंगे और हम इसमें नमक डालेंगे पोहे के हिसाब से, क्योंकि हमने पहले सिर्फ सब्जी के हिसाब से डाला था। इसलिए अगर पहले हम डाल देते तो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा नमक वाली हो जाती और पोहे फीके रह जाते, इसलिए ये डाल के फिर हम इसको पकाएंगे 2 से 3 मिनट तक। 2 से 3 मिनट अच्छे से पकने के बाद आप देख सकते हैं अब हम इसमें हमने जो मूंगफली भुनी थी वो डालेंगे और फिर हमारा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर ऑप्शनल है, आपने हरी मिर्च भी डाली है तो आप देख लीजिए, आपको ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है तो आप लाल मिर्च पाउडर अवॉइड भी कर सकते हैं। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हमारे पोहे तैयार है। अब हम इसको सर्व करेंगे। गर्मा गर्म पोहे आप खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप देख सकते हैं हमारा पोहा तैयार है। अब इसमें हम धनिया पत्ता डालेंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आशा करती हूँ आपको मेरा रेसिपी पसंद आई। आप मेरा चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।